और ये चल रही है तैयारी, ये तैयार नहीं हो अभी क्या? पूरे पूरे तैयार नहीं हुए? आ गया है, ये देखो गाइस कितना बड़ा राउंड, इसी मुझे देखो गाइस, गाइस ऐसे लगता है पेपर इसके ऊपर ये चिपका रहे हैं भैया, ये देखो गाइस ऐसे लगता है इसके ऊपर पेपर, आटे की लई बनती है और उस पर कांच पे लगा लगा कर चिपकाते हैं, ये फ्रेम है बनता है जो रावण का, ये देखो गाइस अभी काम चल रहा है। देखो खाली अंदर भी बने जा रहे हैं, देखो भैया बना रहे हैं अंदर, वो बनाए जा रहे, और ये देखो गाइस ऐसे पहले फ्रेम बन जाता है, फिर उसके बाद आटे की लई के साथ कांच को लगा लगा कर चिपकाते हैं इसके ऊपर, ये देखो गाइस, ये देखो गाइस इस पर कागज चढ़ चुका है, देखो कितना बड़ा है, देखो ये देखो गाइस कितनी मुझे, भैया कितने फुट का रावण है ये, कितने फुट का? 60 फुट का। और इसका रेट क्या है? 1000 रुपये है, 1000 रुपये फुट है, 1000 रुपये फुट, बकरी बकरी 60,000 का हो गया गाइस, 60,000 का रावण, देखो ये देखो गाइस क्या बात गाइस, इस मार्केट में आप कहीं मर्जी देख लो आपको रावण ही रावण देखेंगे, और अभी दशहरा थोड़ी सी दूर है लेकिन रावण बने जा रहे हैं, देख लो आप कितने सारे रावण के सिर मुंह बने पड़े हैं, आपको दिखाता हूँ आगे, और आगे कुछ तैयार भी पड़े हैं वो भी आपको आगे जाके दिखाता हूँ, लेवी, ये लेवी से चिपकते हैं इसके ऊपर कागज, जो ये फ्रेम पड़े हैं रावण के देखो, और ये आटे की लेवी तैयार पड़ी है और कागज पर लगा लगा के लेवी चिपकाते हैं इसको, ये देखो गाइस, तो गाइस ये देखो ये रावण के हाथ और पैर होलसेल में बना के रख रखे हैं, और पीछे ये फ्रेम बने पड़े हैं, इन सारों पे कागज चढ़ेगा लेई लगा लगा कर, और जैसे जैसे दशहरा नज़दीक आएगा ये सारे रावण तैयार हो जाएंगे, आप देख रहे होंगे ये रावण का हैंड है जो 60 फुट का रावण है, ये देखो, और ये फ्रेम है सब पे कपड़े अभी कागज पे लग लग के लेई इन पे चिपेगी सारों पर, और चलते हैं आगे, सारी मार्केट रावण मार्केट है, यहाँ पर रावण मेकिंग होते हैं बड़े बड़े छोटे छोटे, आपको छोटे से छोटा रावण यहाँ मिल जाएगा और बड़े से बड़ा रावण यहाँ मिल जाएगा, और ये देखो भैया बना रहे हैं रावण, रावण बनाने के लिए लकड़ियाँ काट रहे हैं, कैसे हो भैया ये लकड़ियाँ रावण के लिए काट रहे हो? आप गैस देख रहे हो भैया रावण बनाने के लिए, ये बांस की लकड़ी होती नहीं है ये लकड़ी गैस बांस की होती है, और इन पर तारे बांध बांध कर एक स्टैचू तैयार किया जाता है रावण बनाने के लिए, आप देख रहे हो मेरे सामने ये रावण का मुँह है, देखो ऐसे होता है रावण का मुँह, फिर इसके ऊपर लगता है ये नाक है, ये रावण की नाक है, और ये मूछे हैं आप देख रहे हो, ये मूछे हैं और ये मुंह है, और इसके ऊपर जब कपड़ा चढ़ जाएगा तो इतना सुंदर लगेगा ये मुंह, बड़ी बड़ी मूछों वाला, देखो वहाँ रावण ही रावण पड़े हैं, देखो ये सारे रावण 70 फुट के 50 फुट के 60 फुट के, ये सभी इनके हेड तैयार हुए हैं, अभी इनके ऊपर रंगीन कागज चढ़ेंगे और आँखें अलग बनेंगी, इनकी मूछे अलग रंगी होंगी, आप देख रहे होंगे कोई 80 फुट का है कोई 60 फुट का है, और देखो आप मूछे कितनी बड़ी बड़ी है, देखो गाइस देख सकते हो भैया ये कागज काट रहे हैं, और यही कागज लगेगा पहले इसके ऊपर लेही लगाकर, और उसके बाद लगेगा कलर कागज, ये लगे भैया कागज पहले, और भैया कितने फुट का रावण है ये वाला, कितने फुट का रावण मुँह ये? 40 फुट के रावण का, और भैया इसका प्राइस क्या है? 25,000 का गाइस, ये रावण बन के तैयार होगा, और भैया तैयार कहाँ पड़े रावण, पीछे पड़े हैं जो बने पड़े हैं इस पार्क में है, तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ आगे चलकर पार्क में काफी सारे रावण तैयार होके पड़े हैं, देख सकते हो कि यहाँ पर कितने सारे रावणों को बना बना कर लटा रखा है, कहीं पर रावण के पैर पड़े हैं और कहीं रावण के हाथ पड़े हैं, आप देख रहे होगे कहीं हाथ है कहीं पैर है और कहीं सिर के ताज पड़े हैं बने हुए, आप देख रहे होगे ये देखो गाइस ये रावण के सिर का ताज है, अब ताज ही 5 फुट का है तो रावण ऊपर कितना बड़ा होगा गाइस, ये देखो ये सारे सिर के ताज हैं, और कैसे रहता था वो कि पहले सिंपल कागज लाएंगे उसके बाद फिर कलर कागज चढ़ता है इसके ऊपर, ये देखो ये पिंक रंग का रखा है, और ये लई बनती है लई से लगा लगा के चिपकाते हैं, ये सारे सिर के ताज हैं मुकुट है रावण के, और ये है उसकी मतलब पेड़ अपने नीचे का हिस्सा होता है जो अपने लक से लेके पैरों तक का होता है ये होता है, और इसके ऊपर बाद में चढ़ता है कपड़ा,
ये देखो गाइस,